how we remain in class, what are the challenges and problems generally we face in the class. So to have a word for all this, now I'm going to have little bit, mostly we are going to talk, huh? General baatcheet karenge, that's not like that bookish thing we are going to share or read or study. एक जनरल बातचीत रखेंगे जो कि आप भी डिस्कस करेंगे व्हाट एवर द चैलेंजेस एंड प्रॉब्लम्स यू फेस इन क्लास, या आपको लगता है कि एक टीचर कैसा होना चाहिए, हमें जो लगता है, जो हमारी रिसर्चर्स कहती हैं कि कैसा होना चाहिए. तो लेट अस स्टार्ट. फर्स्ट आई वुड लाइक टू शेयर समथिंग फॉर यू ऑल. Just give me a second. So is this is it visible? Anyone? Yes, ma'am. Yes, ma'am, visible. Fine, fine. Thank you. So as you all know, Jess, that today's talk is generally on soft skills for teachers. Soft skills for teachers, a very important topic. But here we are going to discuss with for teachers. ऐसा नहीं है कि soft skill आपको सिर्फ teachers को जरूरत है. हर एक को सॉफ्ट स्किल्स की जरूरत होती है. तो मैं अपनी बात की शुरुआत एक फिर से कहना चाहूंगी, कौन सी बात कहाँ कैसे कही जाती है, कौन सी बात कहाँ कैसे कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है. तो व्हेन आई एम कमिंग टू द थिंग सलीका मींस वी आर टॉकिंग अबाउट द स्किल्स इन इजी लैंग्वेज इन हिंदी वी कैन से कौशल, व्हाट वी आर गुड एट. Good at something means that they're simply talking about the skills. और जब skill की बात आई यहाँ पे, soft skills for teachers, the skills are generally defined in terms of soft skills and hard skills. ठीक है? So first we will brief what are hard skills before discussing the soft skills. So hard skills are generally we say that we are having the technical knowledge, technical know-how. जो आपकी टेक्निकल नॉलेज होती है इन टर्म्स ऑफ इफ वी से द डिग्री, वॉट एवर द रिजल्ट्स यू आर हैविंग, सम सॉर्ट ऑफ टाइपिंग स्किल, सम सॉर्ट ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग स्किल, एनी लैंग्वेज स्किल, दैट इज वॉट वी कैन से हार्ड स्किल. हार्ड स्किल दैट कैन बी मेजर्ड, यू कैन मेजर इट, आप इसको बहुत अच्छे से मेजर कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, हाउ वॉज यू इन मैथ, आप मैथ में कैसे थे, आप साइंस में कैसे थे, हैं, यू कैन सी फ्रॉम योर ग्रेड शीट, फ्रॉम योर रिजल्ट. That is measurable entity. Means typing आपको कैसी आती है या फिर आपकी programming skill कैसी है, you can measure it. आप इसको measure कर सकते हैं. So means these are the hard skills. But when it comes to the soft skill, जब आप soft skill के बारे में बात करते हैं, तो वो skill होती हैं. Generally those are non-measurable entity and mainly it is revealed in your behavior. आपके व्यवहारिक नॉलेज को, बिहेवियरल नॉलेज को हम सॉफ्ट स्किल्स कहते हैं, जो आपके बिहेवियर में दिखे या जो आपको बाकी लोगों के साथ काम करने में या अपने से किए गए काम को बेहतर तरीके से प्रेजेंट करने में आपकी हेल्प करे. मीन्स हाउ यू आर गोइंग टू प्रेजेंट योर वर्क, हाउ यू आर गोइंग टू वर्क विद योर कलीग्स, विद योर फ्रेंड्स, इन योर क्लासरूम, इन मोर बेटर वे, दैट इज रिवील्ड इन योर बिहेवियर, दैट इज नोन एज सॉफ्ट स्किल. तो सॉफ्ट स्किल इज सिंपली वी कैन से इट इज नॉट जस्ट द एक्वायर्ड स्किल, इट इज मेनली वी कैन से it is not somewhere it is taught, but generally we acquire with the time. By seeing, by having the experience, by living in such environment, you know? So simply we can say soft skills are
बिहेवियरल नॉलेज, और वी कैन से सम सॉर्ट ऑफ आप कैसे किसी के साथ बिहेव कर रहे हैं, आप कैसे किसी के साथ व्यवहार कर रहे हैं. सॉफ्ट स्किल्स को अगर देखा जाए तो हम इसको पीपल स्किल भी कहते हैं. द मेन थिंग इज सॉफ्ट स्किल्स आर ऑल्सो नोन एज पीपल्स स्किल. वाई इट इज नोन एज पीपल्स स्किल? बिकॉज दिस स्किल इज नेसेसरी फॉर ईच एंड एवरी जॉब, और सबके लिए जरूरी होती है. सिर्फ ऐसा नहीं है, बिकॉज ही आर मेनली वी ऑल आर टीचर्स हियर, सो वी आर हियर कंसर्न विद द सॉफ्ट स्किल्स फॉर टीचर्स. But actually, soft skills are required in each and every parlance, in each and every bit of our life, or whoever the employee of whatever institution or organization, we need the soft skill. कहा जाता है कि generally the hard skill will take you to the interview level. आपकी grade sheet से, आपके degree से, आप shortlist किए जाओगे कहीं interview पे. That why you say hard skill generally takes you to the इंटरव्यू. बट व्हेन वी टॉक अबाउट द सॉफ्ट स्किल आपको इंटरव्यू में नौकरी पाने और उसमें बने रहने में आपकी हेल्प करता है बेहतर तरीके से. वी कैन गेट द एम्प्लॉयमेंट, वी कैन बिकम द टीचर, है ना, बट बिकमिंग अ गुड टीचर दैट रिक्वायर्स स्किल, है ना. सिंपली आप देखेंगे बहुत से टीचर्स है, जनरली वेन यू टॉक आपके भी किड्स होंगे, बच्चे होंगे, वो भी आते हैं, वो भी कहते हैं कि ये टीचर हमारे इतने अच्छे हैं, ये हमारे फेवरेट टीचर हैं. और कभी कभी किसी टीचर को कहते हैं कि हमें इंटरेस्ट नहीं है उनसे पढ़ने में. तो जस्ट गेटिंग जॉब, गेटिंग एम्प्लॉयमेंट, ओके, वंस वी गेट द थिंग्स, द सेकेंड थिंग आवर एम शुड बी हाउ टू बिकम बेस्ट इन आवर ओन एम्प्लॉयमेंट, इन आवर ओन एरिया, है ना. तो वहां पे हमारी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं होती कि वंस वी बिकम ए टीचर वी आर गोइंग टू डू सच कोर्स एंड ऑल, एंड वी आर गोइंग टू टेक ऑल द ग्रेड्स एंड प्रमोशंस विद टाइम एवरीथिंग. बट एज अ टीचिंग प्रोफेशन, जो आपका एक टीचर का जो आपका प्रोफेशन है, वो आपका कैसा होना चाहिए कि हर एक बच्चा आपके बारे में बात करे, आपसे मुतमईन हो, और आप जब क्लास में आए तो उसी चीज चाहत हो कि आप उन्हें पढ़ाएं, ना कि ये कि जल्दी से पढ़ा के जाए. तो ये सारी चीजें कहाँ से डेवलप होती है? इट जनरली कम्स आउट ऑफ द सॉफ्ट स्किल. तो एक्चुअली वी शुड बिकम नॉट अ टीचर बाय प्रोफेशन, बट वी शुड बिकम टीचर बाय पैशन. इफ यू विल बिकम टीचर बाय पैशन, then generally it means we are well equipped in our soft skill. So coming to the today's topic, soft skills for the teachers, simply it is very much essential for the teachers for effectively engaging with students and to create the positive learning environment. When I say positive learning environment, you know, we teachers have to create this positive learning environment. Hum teachers sirf teachers nahi hai, but we are the artist. We are the फनकार, हम एक फनकार हैं, इस तरह के टीचर्स हैं. हमें हर एक चीज का पॉजिटिव और नेगेटिव पता होना चाहिए. वी मस्ट नो पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ एवरीथिंग. इफ वी आर सेइंग, अगर हम ये कहते हैं कि रेड कलर, लाल कलर इनकलाब का कलर है, तो साथ ही साथ हमें ये भी पता होना चाहिए कि लाल कलर कत्ल और मैसेकर का भी कलर है. मीन्स we should know the positive and negative aspect of everything in order to engage with the students, in order to generate the positive learning environment in the classroom. So that is what, kyunki maine aap agar yaad ho to maine shuruaat kiya tha apne lecture ki ki kaun si baat kahan kaise kahi jati hai, ye salika ho to har baat suni jati hai. Means we should know the things, how to say or how to teach, and where to say, what to say, everything should be very much clear for the teachers. क्योंकि हम टॉर्च बियरर्स हैं, बहुत से स्टूडेंट्स के, बहुत से तलबात के हम टॉर्च बियरर्स हैं. How we are behaving, that is going to learn by the student. So first thing during the soft skill comes in my mind also, or आपको भी, that you should build a sort of relationships, a very good relationships with the students. कैसे रिलेशनशिप्स होनी चाहिए? दोज रिलेशन शुड बी ट्रस्टवर्दी रिलेशनशिप, दोज रिलेशनशिप्स शुड बी वेरी मच मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स. मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स दैट द टीचर, दैट द स्टूडेंट्स मस्ट ट्रस्ट ऑन यू. उसको इतना यकीन हो जाए कि आप
बच्चा जो भी आपसे बात कह रहा है आप उसको पॉजिटिवली हैंडल करेंगी, उनकी प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस को सुनेंगी और उसके अकॉर्डिंगली उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगी। सच टाइप एक मैं यहाँ छोटा सा एग्जांपल, व्हाट आई हैव सेड आई एम नॉट गोइंग वेरी मच बुकिश हियर, एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूंगी। आप डे टू डे अपने क्लासरूम में आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिलते हैं, इवन आपको घरों में अपने बच्चों के साथ एग्जाम्पल्स मिलते हैं। मैं यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल कॉइन करूंगी अपनी खुद की बेटी का। कुछ दिन पहले वो क्लास गई, क्लास से आई, व्हेन शी केम फ्रॉम द स्कूल शी स्टार्टेड टीयरिंग हर मैथ्स बुक। दो तीन पेज मैथ्स की बुक से उसने पूरा फाड़ दिए, अपनी नोटबुक से दो तीन पेजेस फाड़ दिए। जब मैं आई शी स्टार्टेड हाइडिंग, छुपाने लगी। जब मैं आई घर पे तो छुपाने लगी उसने क्या किया। मैंने पूछा क्यों ऐसा किया, सो शी वॉज बिट अपसेट एंड एंग्री ऑल्सो, एग्रेसिव भी थी, थोड़ा गुस्से में थी। ऑल्दो बहुत बड़ी नहीं है, है ना, शी इज जस्ट इन क्लास टू, सिर्फ क्लास टू, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द बिहेवियर कि सिर्फ वो क्लास टू में है वो बच्चा। वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव थी, अपसेट भी थी। व्हेन आई आस्क बुक्स, भाई बुक्स को फटा देख के और उसकी इस हरकत को देख के थोड़ा बहुत गुस्सा मुझे भी आया। मैंने उसको थोड़ा सा बोला, डांटा भी कि ऐसे क्यों किया, ऐसे नहीं करना चाहिए। ओके, उसने अपना दिन का लंच भी नहीं लिया, विदाउट टेकिंग लंच शी स्लेप्ट, शाम में भी बहुत थोड़ा खाया, एंड शी वॉज अपसेट एंड शी वॉज सेइंग कि शी विल नॉट गो टू स्कूल, स्कूल नहीं जाएगी। बहुत पूछने पे नहीं बताया, अगले दिन जबरदस्ती स्कूल भेजा। जब वो बच्चा स्कूल गया वो अपनी क्लास में नहीं बैठा, अपनी क्लास में नहीं बैठी वो बच्ची, और वो दूसरे क्लास में बैठ गई, यानी कि सेम क्लास के दूसरे सेक्शंस में। टीचर्स आर वेरी मच कोऑपरेटिव देयर, उन्होंने उसके साथ जबरदस्ती नहीं की, बैठने दिया। लेकिन दूसरे दिन, तीसरे दिन इसका बिहेवियर क्या था, सेम बिहेवियर। चौथे दिन उसका बिहेवियर ये हुआ कि वो क्लास में तो बैठी लेकिन कुछ पीरियड्स में बैठी और कुछ पीरियड्स में नहीं बैठी। किसी एक पर्टिकुलर पीरियड में, जैसे मैथ्स की क्लासेस में वो नहीं बैठी, बाकी क्लासेस में वो आके अपनी क्लास में बैठी। देयर मस्ट बी सम प्रॉब्लम। ये अच्छी बात है कि वहां पे काउंसलिंग होती है, दे हैव द काउंसलर्स, है ना, टू काउंसल द स्टूडेंट्स, इन टू स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम समझने के लिए वहां पे टीचर्स हैं। मैंने भी बहुत पूछा, एक हफ्ता हो गया, दस दिन हो गया, द सेम थिंग वॉज कंटिन्यूइंग। मैं भी बहुत परेशान थी, बहुत तरीकों से पूछा, नहीं बता पाई। काउंसलिंग उसकी स्टार्ट हुई, वहां पे टीचर ने काउंसलिंग स्टार्ट की। धीरे धीरे बातें हुई, वो टीचर काउंसलर उसे ले जाती थी, गार्डन में ले जाती थी, बातें करती थी, इधर उधर बातें करते करते उनसे उन्होंने पूछा कि आखिर वो अपने क्लास में क्यों नहीं बैठना चाहती। शी सेड, उस दिन उसने बोला, आप सोचिए वो बात उसने मुझसे नहीं बोली, अपने उस टीचर से बोली जो उन्हें काउंसलिंग कर रही थी, गार्डन ले आती थी। एक ट्रस्ट डेवलप किया उस टीचर ने अपने बच्चे के साथ। उस दिन उसने कहा कि नहीं, हमारी ये पर्टिकुलर टीचर जो है बहुत स्ट्रिक्ट है, क्लास में बहुत डांटती हैं, बच्चों को पूरे क्लास में स्टैंड अप पनिशमेंट देती हैं पूरी पूरी पीरियड के, बच्चों के पैर दुख जाते हैं। जस्ट सी कि पनिशमेंट उसे नहीं मिला था, क्लास में दूसरों बच्चों को मिला था, बट शी फेल्ट फॉर दैट। तो एक बच्चे का माइंडसेट कैसा होता है, वो अपने लिए फील करता है, औरों के लिए, अपने लेवल के लोगों के लिए फील करता है। तो वो बात उसे लग गई, उनकी स्ट्रिक्टनेस लग गई, उनका पनिशमेंट गिविंग बिहेवियर उसे लग गया, एंड शी स्टार्टेड टू स्किप दोज क्लासेस ऑफ दैट पर्टिकुलर टीचर। लेकिन मुझे यहाँ पे मेन आपको समझाना क्या है यहाँ पे, कि आप देखिए वो एक जो ट्रस्ट था बीइंग अ मदर, शायद मैं थोड़ा सा, क्योंकि उसका बिहेवियर था कि बुक्स फाड़ देना, ये कर देना, शायद मैं थोड़ा सा वहां पे मिस कर गई, लेकिन वो ट्रस्ट जो है उसकी काउंसलिंग टीचर ने उसके साथ डेवलप किया। सो डेवलपिंग दैट ट्रस्ट इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट, डेवलपिंग सच टाइप ऑफ रिलेशनशिप इज वेरी मच इज इम्पॉर्टेंट, डेवलपिंग सच टाइप ऑफ लर्निंग एनवायरमेंट इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट, दैट द स्टूडेंट शुड रिमेन ओपन टू यू, वट एवर प्रॉब्लम शी और ही इज हैविंग she should discuss to you, he should discuss to you, और उसके accordingly you can change the environment, you can change the teaching, whatever the methods you are obeying in teaching, so accordingly we can go through. Main thing is I have given this example, how to build such type of relationship, that is very much important. Hum class mein jaate hain, simply jaate hi bahut gussa dikhaye, class mein padhane lage, bas ek bar bell shuru hui, humne padhana shuru kiya aur bell lagne tak ekdam hum start rahe, aur bell khatam hone ke baad class hum foran nikal ke aa gaye. We are not going to give the time to have a good communication
with the students to understand them, whether they are going to understand the particular subject or not, or various other things. If the students have not done their homework, why they have not done their homework? क्या उनकी लापरवाही है भैया, इसलिए उन्होंने homework नहीं किया, या वाकई ही there was some problem कि ये रोज करता था और आज नहीं किया? Everything has to be understood, and this is only possible when a proper good relationship is developed. एक आपको रिलेशनशिप अच्छे से डेवलप करना चाहिए. तो सॉफ्ट स्किल्स आर जनरली दोज स्किल्स है ना विच हेल्प अस टू वर्क विद द अदर्स. अदर्स मींस हियर बिकॉज वी आर द टीचर्स, वी आर वर्किंग विद स्टूडेंट्स, मींस हैविंग द क्लास एनवायरमेंट, वी आर वर्किंग विद द आवर कलीग्स, अपने साथ के टीचर्स के साथ हम काम करते हैं, वी आर वर्किंग विद द एडमिनिस्ट्रेटर्स, हमारे ऊपर जो एडमिनिस्ट्रेट करता है, हमारे चेयरमैन, हमारे वाइस चांसलर, हम उनके साथ काम करते हैं. तो एक्चुअली सॉफ्ट स्किल्स वो स्किल है जो आप लोगों को साथ में काम करने से, अपनी बात को बेहतर तरीके से रखने में, या फिर किसी भी प्रॉब्लम से निकलने और करियर को आगे बढ़ने में आपकी हेल्प करती है. अब देखिए ये जितनी चीजें हैं, इसकी कोई डिग्री नहीं है, वी डोंट हैव एनी डिग्री, वी डोंट हैव एनी स्किल्स, जस्ट आई हैव सेड द स्किल्स है ना, वो कौशलता या वी कैन से वो अकम्प्लिशमेंट दैट हेल्प अस टू वर्क विद आवर कलीग्स, विद आवर एडमिनिस्ट्रेटर्स, टू प्रेजेंट आवर वर्क इन बेटर वे है ना, एंड जिसकी वजह से हम किसी प्रॉब्लम से भी अच्छे से बाहर निकल सकते हैं, अपने करियर में आगे बढ़ सकते हैं. दीज आर द थिंग्स, दीज आर द स्किल्स दैट हेल्प helps. These are known as soft skills. Now, how to develop these soft skills? हम इन soft skills को develop कैसे करें? क्यों हमें develop करना चाहिए? तो सबसे पहले soft skills को develop करने में क्या करना है? We have to identify the areas that need to be improved. अपने अंदर हम वो areas को identify करें जिसमें हमें improvement की जरूरत है. और वो हम कैसे identification करेंगे? By self-evaluation. है ना, इंट्रोस्पेक्शन, यानी कि आत्मनिरीक्षण करके, अपने अंदर देख के, सेल्फ इवैल्यूएट करके. इवन अनदर थिंग फ्रॉम द फीडबैक फ्रॉम द ट्रस्टेड कलीग्स एंड द फ्रेंड्स, आपके कलीग्स और फ्रेंड्स भी कई बार बताते हैं कि आपकी ये चीज अच्छी है, आपको इस चीज में इंप्रूवमेंट की जरूरत है. हूएवर यूर वेल विशर्स आर, इंटरेक्ट विद देम एंड आस्क फॉर देयर फीडबैक. इस तरीके से आपको पता चलेगा कि आपको किस चीजों में इंप्रूवमेंट चाहिए. Once you identify your weaknesses and strengths, उसके बाद आपको एक action plan बनाना है. For example, if you are lacking in some sort of communication skills, so you have to focus on communication. You have to focus to improve your communication skill. और इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? जैसे you can join the public speaking courses. Even you can improve it by practicing. Even you can improve by practicing, or या फिर आप किसी भी trainer या teachers की help ले सकते हैं. You have to identify, you have to decide what are your higher priorities, है ना, to be developed. आपकी higher priorities क्या हैं? आप उनके बारे में आपको पता करना होगा. There are various examples of soft skills, just like communication skill, body language, problem solving skill, teamwork, leadership, listening skill, सेल्फ कॉन्फिडेंस, टाइम मैनेजमेंट, जो कि हम थोड़ा थोड़ा वन बाय वन करके यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि वॉट एवर द स्किल्स अ टीचर शुड हैव. कमिंग टू द फर्स्ट स्किल, हियर यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, दैट इज द कम्युनिकेशन स्किल. व्हेन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द कम्युनिकेशन स्किल, हाउ वी आर गोइंग टू कम्युनिकेट ना विद आवर स्टूडेंट, उनके साथ हम कैसे कम्युनिकेट करेंगे? आर यू गेटिंग माई वॉइस एनीवन? Okay. Yes, ma'am. Yes. Okay. So there are various types of communication skills, like verbal communication skills, non-verbal communication skills, active listening, written communication. When we are talking about the verbal communication, we should have a clear and concise verbal communication in the class. In order to have effective teaching, in order to deliver effective thoughts, in order to deliver effective information, whatever we want, researchers says कि एक teacher अगर अपना 100% देता है teaching में, वो सोच के आता है, तो 100% वो teaching में देना चाहता है, but still जब वो express करता है verbally, उसको teach करता है, तो 100% वो सोचता है कि मैं 100% हूँ, but not possible for any of the teachers to give 100%. कुछ information loss
उसके लेवल पे होती है. फिर ड्यूरिंग द डिलिबरेशंस व्हेन यू डिलीवर द लेक्चर कुछ इंफॉर्मेशन लॉस वहां होती है. ड्यूरिंग द ग्रास्पिंग है ना, जब स्टूडेंट ग्रास्प करता है उसमें एक मेजर लॉस होता है. तो कंसीडरिंग दैट कि इफ सच लॉसेस अकर्स इन ट्रांसफर ऑफ द इंफॉर्मेशन देन एटलीस्ट द वर्बल कम्युनिकेशन शुड बी वेरी मच क्लियर. बहुत ही क्लियर होना चाहिए वर्बल कम्युनिकेशन और इफेक्टिवली कन्वे होना चाहिए, है ना, बिल्कुल क्लियर. टीचर शुड हैव एप्रोप्रिएट लैंग्वेज टोन इंगेज स्टूडेंट्स. व्हाट आई हैव सेड एप्रोप्रिएट लैंग्वेज, फर्स्ट यू अंडरस्टैंड योर क्लास, है ना. आप क्लास में जाइए, आपको हर साल नई क्लासेस मिलती है, नई बच्चे मिलते हैं. यू आइडेंटिफाई योर क्लास, व्हाट टाइप ऑफ स्टूडेंट्स दे आर हैविंग, किस तरह के स्टूडेंट्स हैं, है ना, विच टाइप ऑफ लैंग्वेज, व्हाट एवर द लैंग्वेज यू आर यूजिंग, वेदर यू आर यूजिंग इंग्लिश लैंग्वेज और आई कैन से वेदर यू आर यूजिंग हिंदी उर्दू और मिक्स ऑफ लैंग्वेजेस. जस्ट आइडेंटिफाई स्टूडेंट इन विच लैंग्वेज दे विल बी मोस्ट कम्फर्टेबल. एक आप उनका कम्फर्ट लेवल देखिए. या फिर अभी कभी कभी क्या होता है कि कुछ कंपल्शन होता है कि यू हैव टू टीच अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट इन अ पर्टिकुलर लैंग्वेज. अगर कंपल्शन है और आपको लगता है कि उस लैंग्वेज में बच्चा नहीं समझ रहा है तो स्टार्ट विद मिक्स ऑफ लैंग्वेज, ग्रेजुअली यू कैन कम टू द पर्टिकुलर लैंग्वेज. और दूसरी बात, व्हेन आई से टोनल, बिकॉज इट इज वर्बल टोनल, व्हेन वी एज अ टीचर्स गो टू द क्लासरूम, we have to maintain high low tone, sometime high tone, sometime low tones. Kehne ka matlab, we should not be monotonous in our tone. Monotonous means, for example, just I will give you example, aapke screen pe jo likha hai wahi padh ke main batati hu. For example, clear and concise verbal communication is crucial for teachers to effectively convey information and instruction to a student. Teacher should use appropriate language and tone to engage students and create positive learning environment. This is what monotonous. Monotonous ek hi jaisa. इस तरीके से अगर आप बोलेंगे तो फिर तो आपकी पूरी क्लास या तो क्लास से एब्सेंट माइंडेड रहेगी एंड इवन दे कैन स्लीप ऑल्सो, है ना, देयर माइंड कैन स्लीप ऑल्सो. But during the verbal communication, when you are going to have sometimes high tones, sometimes low tones, that is also collaborated with some sort of non-verbal communications, तो वो आपका एक बेहतर लेक्चर तैयार होगा. सेम थिंग जो मैंने मोनोटोनस में पढ़ा था, अब मैं थोड़ा सा हाई एंड लो पिच में पढ़ती हूँ. क्लियर एंड कंसाइज वर्बल कम्युनिकेशन इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर द टीचर्स इन ऑर्डर टू इफेक्टिवली कन्वे इंफॉर्मेशन एंड इंस्ट्रक्शन टू द स्टूडेंट. मीन्स कि आप कहीं लो जा रहे हैं, हाई जा रहे हैं, अकॉर्डिंगली स्टूडेंट क्या कर रहा है, अपने स्टूडेंट्स अपने माइंड को स्ट्रेस दे रहा है, अपने माइंड को उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट कर रहा है, कभी हाई सुन रहा है, कभी लो सुन रहा है. तो ही विल बी एक्टिवेटेड, वो एक तरीके से एक्टिवेट होगा. और मोनोटोनस आप चलेंगे तो बिल्कुल भी उनका माइंड एक्टिव नहीं होगा. तो वर्बल कम्युनिकेशन प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल ड्यूरिंग द क्लासरूम. सो वी शुड हैव एन एप्रोप्रिएट एंड आइडियल वर्बल कम्युनिकेशन विद आवर स्टूडेंट. कमिंग टू द नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. नॉन वर्बल जिसको हमने बोल के नहीं कहा बट स्टिल वी हैव एक्सप्लेन्ड वेरियस थिंग विद आवर एक्सप्रेशंस, maybe the facial expressions, maybe with our body language, and that also impact how teachers are perceived by the students. Ek chota sa example, aap gaye class, class aapki 50 minute ki hai, 1 ghante ki hai, aap gaye, aapne padhana shuru kiya, ek jagah aap khade ho gaye and you started teaching just by standing at one place. Full 50 minutes you are standing at one place, एक ही जगह खड़े हैं, बच्चा भी आपको देख रहा है, आप भी स्टूडेंट्स को एक ही एंगल से देख रहे हैं, बच्चा भी आपको एक ही एंगल में बिल्कुल सामने देख रहा है. One hour means this some sort of activation is required for the students also. वो आपको एक ही जगह देखते देखते वो फिर से नींद में आने लगेगा या तो कुछ और बातें मन में सोचने लगेगा. तो बॉडी लैंग्वेज, फॉर एग्जाम्पल वी हैव टू वॉक, थोड़ा सा आप एक तरफ क्लासरूम में जाइए पढ़ाइए, दूसरी तरफ क्लासरूम में जाइए. मूवमेंट्स अपना, मूवमेंट बहुत ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, बहुत कम भी नहीं, एक आइडियल मूवमेंट रखिए. मूवमेंट जब आप मूवमेंट करोगे अपने लेक्चर में, एक बार इधर जाओगे एक बार उधर जाओगे, स्टूडेंट्स विल आल्सो दे विल गेट एक्टिवेटेड सीइंग दिस साइड सीइंग दैट साइड. मींस दे आर फॉलोइंग यू एंड योर वर्ड्स, मींस दे आर फॉलोइंग योर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन आल्सो
and accordingly with that they are following your verbal communication also. Facial expressions, when what type of facial expressions we have to give. If a student is answering something and it gives appreciating expressions that you are happy with the answers of the students, ya bahut discipline mein hai, you have to be show that you are happy that the students are in discipline. Kabhi thoda sa anger hona chahiye, thoda sa kehte hai na ki sometimes hard, sometimes soft, you know, so us tarike se aap class ko deal karenge, so that then it will be very good. So this is one of the thing how we are generally seeing that non-verbal communication play very important role. आप में ऐसा दिखना चाहिए नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में कि दैट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड, यू कन्वे एम्पैथी, मीन्स यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द फीलिंग ऑफ द स्टूडेंट्स. You should show your body language, your expression should show that you are one of the confident teacher. So accordingly, the students will also seek from you. So these type of communications play very important role. Another type is active listening. We as a teachers, what we want? We want कि बच्चा आपकी पूरी बात को बहुत गौर से सुने, बहुत अच्छे से सुने. हाँ, स्टूडेंट शुड बी अटेंटिव वाइल लिसनिंग व्हाट यू आर टीचिंग. इफ वी एक्सपेक्ट such thing from our student, then our students will also expect ki hum unki baat bahut acche se sune. Once what they are saying about unke perspectives ko hum acche se sune, kisi point pe discussion ho raha hai to what are their feelings, what are their thoughts, and we should actively listen and understand what actually the students are saying. So this practice of teacher, that is active listening, to show students that their thoughts and opinions are valued. बच्चों को भी लगेगा कि हमारे thoughts की, हमारे बातों की, हमारे opinion की सामने वाला value कर रहा है. They will be more engaged. They will try to answer more. They will try to discuss about the things more. So not only the student should be the active listener, but we as a teacher should also be very much active. एंड वी शुड अंडरस्टैंड आर स्टूडेंट्स. कभी कभी क्या होता है, छोटे बच्चों की क्लासेस में बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, बड़े बच्चों की भी क्लास कभी कभी मिलता है कि वी डोंट ट्रस्ट. कोई बच्चा कोई बात कहता है, आप सीधे कह देते नहीं, आप सही नहीं बोल रहे हो, आप झूठ बोल रहे हो. दिस थिंग जस्ट लिसन टू द स्टूडेंट्स, है ना, एंड जस्ट शो देम दैट यू आर वैल्यूइंग देयर थॉट्स. You have to give value. अगर आप ऐसा देंगे तो students भी आपको उतना ही active listen करेगा जितना आप बच्चों को actively listen कर रहे हैं. So active listening also play a very important role. Written communication. Teachers, as a teacher, when we talk about the verbal communication, written communication also play a very important role. How we are communicating, writing on boards, हम कैसे, how we are writing on colleagues या administrators, हम कैसे communicate कर रहे हैं अपनी बातें, है ना, writing and communicating to the parents, कैसे हम बच्चे को लेके communicate कर रहे हैं with the parents, that should be very clear, that should be very much effective and important for the teachers to communicate with the parents, colleague, administrators and what. And this requires proper grammar. प्रॉपर ग्रामर वे जो होना चाहिए वैसे आपको लिख के कम्युनिकेट कर. इट शुड फॉलो प्रॉपर पंक्चुएशन, कॉमा, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमा, एवरीथिंग दैट शुड बी वेरी मच क्लियर. बिकॉज बीइंग अ टीचर, वी एज अ टीचर वी आर कम्युनिकेटिंग, है ना. कोई ऐसे लेमैन कम्युनिकेट करे वो ग्रामर का यूज ना करे, कॉमा, फुल स्टॉप और ये इन्वर्टेड कॉमर्स का, सेमी कॉलन का यूज ना करे, तो दैट इज ओके. बट वी एज अ टीचर्स व्हेन वी आर कम्युनिकेटिंग इन राइटिंग, वी शुड बी वेरी मच attentive about these things. The formatting behavior of the communication, aap application likh rahe ho, hai na, headings aap small mein likh rahe ho, body text aap bahut bade bade text mein likh rahe ho, this should not be the communication, a good communication. Everything cartographically formatting should be in a very good way, where to write the heading, in what font we have to write the heading, text kaisa hona chahiye, बाद में थैंक्स गिविंग यू हैव टू राइट, राइट साइड, लेफ्ट साइड, एवरीथिंग शुड बी आर्टिकुलेटेड इन अ वेरी गुड मैनर. मीन्स ओवरऑल आई वॉन्टेड टू से हियर दैट कम्युनिकेशन स्किल्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. दिस इज वन ऑफ द सॉफ्ट स्किल आई कैन से दैट नॉन वर्बल स्किल वी शुड इनकल्केट इन आवर सेल्फ, है ना. हमें कम्युनिकेशन स्किल ऐसे इनकल्केट करनी चाहिए दैट स्टूडेंट शुड रिमेन इंगेज इन द क्लास, वेरी मच इंगेज. डिसइंटरेस्टेड नहीं होना चाहिए स्टूडेंट. सो ओवरऑल वी कैन से दैट
verbal communication skill, non-verbal communication skill, active listening, written communication, this play a very important role in developing these skills. Coming to the second type of soft skill, empathy and emotional intelligence. Empathy, when we talk about empathy, empathy simply means understanding the feeling of the others. What the next one is feeling, whatever maybe the students are feeling, what are the feelings of the students, what are the feelings of the colleague, what are the feelings of the administrator, or what are the feelings where we are working, anywhere. Means empathy, we have to understand the feelings of the others, we have to understand the thoughts of the others. Understand क्यों करना जरूरी है. अब आप सोच रहे होंगे कि नहीं, why we should understand, है ना, कि what others are feelings, what are their thoughts, है ना, in order to have better connect, to develop a better relationship, to develop a positive and trustworthy relationships, है ना, we have to understand the feelings of the others, the thoughts of the others, in order to support the students. So better for better connect. To develop the better connect with the student, not only in academic level, but to at emotional level. When we will connect with the student academically and emotionally both, then only we can create a very much positive learning environment. Aajkal aap sunte honge, we talk about the inclusive, na? Inclusive teaching environment. Inclusive, there are different types of students. All the students have different needs, hai na? Some of the students are, we can say, intelligent. They can understand within a seconds and minutes. Some of the students are average. They can go with the flow of the teachers. Some of the students are below average, hai na? They need extra efforts to make them understand about the topics. Sometimes we have the students may be challenged, they are physically challenged or mentally challenged. So we have to create such type of environment in the class. So every student should go almost equally with the flow of the teacher, whatever the teacher is teaching, which type of flow the teacher is teaching, the student should and grasp them, hai na, usi tarike se, jis hisab se. So we should create not only the positive learning environment, but we have to create inclusive learning environment, hai na, bilkul ek tarike se ki inclusion ho, har ek bachcha apne aap ko class mein valued samjhe, har ek bachcha apne class mein include samjhe class mein. That is what we can say empathy and emotional intelligence of a teacher means, that we have to understand the student, we have to emotionally connect with the students, because by the empathy and by emotionally connecting to the student, hum unki unique different needs or challenges ko samajh sakte hain. We can understand the unique needs and challenges of each and every student, and even sometimes the students needs personalized supports. Kabhi kabhi personalized support bhi bahut se aise hote hain. Main aapko example, kuch bacche jo hote hain, they want to study, there are different types of problems with them. Sometimes they are not able to understand, okay, you can solve, but many times they need personalized support. Sometimes they may be lacking in some sort of amenities and facilities, sometimes they may be lacking some sort of financial assistance. So kabhi kabhi jo aapka emotional connect hota hai, that also help to provide personalized support to the students. ये नहीं कहा जा रहा है, मान लीजिए किसी student को financial problem हो, है ना, ये नहीं कहा जा रहा है कि जरूरी है कि आप उसको financially support करें. No, but there are certain, we can say points, certain organizations, there are certain funds, whether because mostly the students are unaware about this. So awareness आप दीजिए, they can apply there and they can get the support. Means we have to connect with the students, otherwise through the empathy or the emotional intelligence, in order to understand the academic relationship with the student, and in order to provide them also the personalized support. So that will play a very important role. So teachers, इसीलिए तो कहा जाता है कि teachers can promote social and emotional development of the student overall. हमने क्या कहा अपनी बात में, पिछली बात में, कि teacher सिर्फ एक teacher का profession जो है, the teaching profession, it should not be a profession, but teaching should be a passion.
तो अगर अगर टीचिंग आपका पैशन होगा तो इट विल क्रिएट, टीचर्स कैन प्रमोट सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट बोथ, मींस इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट होगा बच्चों का पूरा, एज अ होलिस्टिक डेवलपमेंट होगा स्टूडेंट का, ना कि सिर्फ आपको एकेडमिक डेवलपमेंट करना है, स्टूडेंट को एक आज के माहौल में रहने के लायक बनाना है आपको, यू हैव टू डेवलप द स्टूडेंट इन अ होलिस्टिक वे, तब ये आपकी कंप्लीट टीचिंग होगी. जस्ट giving the grades, only teaching the subject matter is not the responsibility of the teacher, but making the student very much able to live in today's world, to become compatible and adaptable for the today's world. That is the importance of a teacher, where we have to play our role. So this is all about, we can say, empathy and emotional intelligence of a teacher. Another thing, adaptability and flexibility. We know that nowadays lots of changes are going on. Changes in our curriculum, what we have to teach to the student. Changes in tools and techniques of the teaching. पहले आप सिर्फ ब्लैकबोर्ड एंड व्हाइट चॉक, ब्लैकबोर्ड और व्हाइट चॉक यूज करते थे, देन द कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाइट बोर्ड केम, देन द कॉन्सेप्ट ऑफ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस केम, वी आर टॉकिंग, देन द कॉन्सेप्ट ऑफ लॉट्स ऑफ सॉफ्टवेयर केम्स, ऑनलाइन लेक्चर्स वी आर हैविंग, मेनी थिंग. So with time, lots of changes not only in curriculum is seen, but also in the tools and techniques also. So we have to adapt it with time. We know our younger generation, newer generation, aajkal ki jo generation hai, wo comparatively zyada equipped aa rahi. Agar aap usko bahut hi purane mindset se, purane tareekon se aaj padhayenge, so they will lose the interest because they know more about the new tools and techniques, and they have more interest to learn those tools and techniques. So we have to adopt these changes with time, whatever the changes are coming. And we not only we have to adapt, we have to show also, and we have to teach them also what are the changes that is coming with time and what are the advantages of these changes. We have to टीच देम, हमें उन्हें बताना है. अगर मैं इस बात को ऐसे कहूं कि तुम बताते तो समझती तुम्हें दुनिया इरफान, तुम बताते तो समझती तुम्हें दुनिया इरफान, फायदा अर्जे हुनर में था, हुनर में क्या था. यानी कि आपका फायदा अर्जे हुनर में था, आप अर्ज करिए, आप बताइए बच्चों को, सिर्फ हुनर होने में नहीं है. वन थिंग, मेनी टाइम द टीचर वी गेट वेरी गुड मार्क्स, वी हैव अ वेरी गुड नॉलेज अबाउट द थिंग्स, है ना, कि वेरी गुड नॉलेज, आप बहुत नॉलेजेबल हो, सब कुछ पता है आपको, बट आप उसको समझा नहीं पा रहे हो चीजों को, है ना. हाउ टू एक्सप्लेन देम, वी फॉर एक्सप्लेनिंग सच थिंग्स, अगर एक तरीके से नहीं समझ रहा है टीचिंग मेथड से, दूसरा टीचिंग मेथड अपनाइए, कुछ टूल्स एंड टेक्निक्स अपनाइए आप. यू कैन यूज द प्रेजेंटेशन, यू कैन यूज द पिक्टोरियल मेथड, यू कैन यूज इवन द animations. Animations are the very good tools now to understand many things for the students. So you have to, है ना, कि सिर्फ ये हमने कहा कि फायदा अर्जे हुनर में था, हुनर में क्या था. अगर सिर्फ आपके पास हुनर है लेकिन आप उसको रिवील नहीं कर पा रहे हो तो फिर उसका क्या फायदा. So we should open to the new ideas and strategies. और ये कैसे develop होगा, जितने भी changes आ रहे हैं, अपने आप को up to date करना, best practices में को engage करना, ongoing profession developments को equip, ये कैसे possible होगा. With the time we can attend various conferences, webinars, seminars, certain courses with the time, whatever the new courses, new tools and techniques are coming, we have to learn by many, there are different platforms to learn all those things. So we have to adapt these changes. वो अडेप्ट करेंगे, मेनी टाइम्स दिस अडेप्टेशन आर मेनली एक्वायर्ड थ्रू द कोलैबोरेशंस एंड द नेटवर्किंग. जब हमारा एक दूसरे के साथ अच्छा नेटवर्क होगा, प्रोफेशनल नेटवर्क एक प्रॉपर होगा, कोलैबोरेशन होगा, तो वी कैन हैव एक्सचेंज ऑफ आइडियाज. सपोज सर्टेन ग्रुप इज सेइंग दैट वी आर टीचिंग थ्रू द एनिमेशंस, थ्रू द पिक्टोरियल मेथड्स, सर्टेन ग्रुप्स आर सेइंग वी आर गोइंग टू टीच थ्रू द फील्ड विजिट्स एंड ऑल. वी कैन गो थ्रू, वी कैन एनालाइज विच teaching method for a particular topic will be the best. We can have exchange of ideas. और ये collaborations और networking कैसे बनेंगे? जैसे मैं आपसे अभी बात कर रही हूँ, मैं एक बात बताऊँ, जब मैंने अपने time में, जो आप ये course अभी online कर रहे हैं, मैंने अपने time में जब ये course किया था, तो that was offline. हम एक जगह, बाकी बहुत सारे लोग आते थे, मिलते थे,
है ना, ओरिएंटेशन हो, रिफ्रेशर कोर्स हो, है ना, दे हैव चेंज ऑफ आइडियाज. और उस वक्त कुछ ऐसे रिलेशनशिप्स डेवलप हो जाते थे कि वी यूज्ड टू चेरिश देम लाइफ लॉन्ग. कुछ उसमें दो चार रिलेशनशिप ऐसी एकेडमिक रिलेशनशिप्स होती थी कि नेटवर्किंग होती थी कि वी यूज्ड टू चेरिश देम लाइफ लॉन्ग एकेडमिकली, कि एकेडमिकली आप उनसे जुड़े होते थे लाइफ लॉन्ग के लिए, है ना. सो वी कैन हैव एकेडमिक कोलैबोरेशन. तो थोड़ा सा तो मैं कहूंगी कि देयर इज द डिफरेंस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स में, वो चीज थोड़ी सी लैकिंग है ऑफ प्रोफेशनल नेटवर्किंग, ऑफ प्रोफेशनल कोलैबोरेशंस. बट everything has a pros and cons. तो कुछ advantages भी हैं, तो कुछ disadvantages भी हैं. तो academics में आप में ऐसी skill होनी चाहिए, so you should develop a very strong professional network. You should have the collaborations for the exchange of ideas, planning, and you should have you should promote the flexibility in lesson planning, everything, and that will be acquired through the collaborations and networking. जनरली आप, मैं आपको एग्जाम्पल दूंगी, आप कोई क्लास पढ़ाते हैं, जब आप कोई भी क्लास में टीचिंग करने जाते हैं, जब क्लास लेके आप बाहर निकलते हैं, तो यू नो योरसेल्फ कि आज की क्लास कैसी हुई. आपको खुद लग जाएगा कि वाह, आज की क्लास तो बहुत अच्छी हो गई और मैंने फुल अपना दिया, 100% दिया और बहुत सारी चीजें बताई. तो यू नो योरसेल्फ कि हाउ यू हैव टॉट टूडे फॉर दी क्लास. Many times you know yourself कि आज मुझे जो पढ़ाना था एक्चुअल में पढ़ा नहीं पाया या पढ़ा नहीं पाई, और शायद मैंने बच्चों को इधर उधर घुमाया है, आज एग्जैक्ट फोकस्ड वे में नहीं पढ़ाया है. तो बेटर यू नो yourself. मैं भी अपने आप को समझती हूँ और मुझे कोई कहने में हर्ज नहीं है. Many times I say that I have taken a class and I'm very much satisfied with today's class. Many times I'm not satisfied with that class. So we should have self-reflections. How we are teaching, है ना? If we will have self-reflection, if we will, जिसको हम कहते हैं आत्मनिरीक्षण करना, हम अपना सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करेंगे, तो हम समझ जाएंगे कि which are the areas that need to be improved, कि हमें कहाँ पे इम्प्रूवमेंट करना है. मे बी इम्प्रूवमेंट बाई कि आपको इम्प्रूवमेंट में ये लगता हो कि आप क्लास से पहले 10 मिनट थोड़ा सा आप क्लास की तैयारी करके जाते हैं, तो देन यू गिव बेटर, डिलीवर योर थॉट्स एंड आइडियाज, तो आप उसको आप प्रैक्टिस करिए. इफ यू थिंक नो यू मोर, यू नीड मोर टाइम टू स्टडी द सर्टेन टॉपिक्स, आप उसको बेटर प्रैक्टिस करिए. मीन्स अपना सेल्फ रिफ्लेक्शन, सेल्फ रिट्रोस्पेक्शन, आत्मनिरीक्षण होना चाहिए. हाउ यू आर टेकिंग क्लास, आपको अपने आप को खुद जज करना चाहिए. यू कैन बेटर डेवलप दीज स्किल्स आफ्टर जजिंग योर सेल्फ. तो जजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, हाउ यू आर गोइंग टू जज योर सेल्फ. कमिंग टू द अनदर थिंग, दैट इज प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग. आजकल बहुत इम्पॉर्टेंट हो गया है कि नावडेज देखिए, अब पढ़ाने का तरीका बहुत चेंजेस होते जा रहे हैं, इन नंबर ऑफ चेंजेस, हाउ वी हैव स्टडीड इन आवर चाइल्डहुड और आज हमें किस तरीके से पढ़ाना है, बहुत सारे चेंजेस आ चुके हैं. पहले हम सिंपली क्या पढ़ते थे, ए बी सी डी, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बैट, ऐसे पढ़ते थे. आज का आप देखिए, वो ए बी सी डी नहीं पढ़ते हैं, पढ़ते अ ब क ड, मींस फोनेटिक्स. ए को ए नहीं पढ़ते हैं, अ ब क, है ना, तो ड, दैट इज व्हाट दे आर, ए, तो दे आर गोइंग थ्रू द फोनेटिक्स, लॉट्स ऑफ चेंजेस, दे आर नॉट लर्निंग. पहले हम स्पेलिंग बच्चों को लर्न कराते थे, हम खुद लर्न करके आए, ए पी पी एल ई एप्पल, एरोप्लेन की स्पेलिंग रट रहे हैं, लर्न कर रहे हैं. बट नाउअडेज व्हाट वी सी कि फोनेटिक्स अगर बच्चों को आ गया, ए ए बी ब सी क, यानी कि ए को ए बोलते हैं, बी को ब बोलते हैं और सी को ख बोलते हैं. तो अगर बैट लिखना है तो बच्चों को बैट की स्पेलिंग लर्न करने की जरूरत नहीं है. If they are have the clear understanding about the phonetics, for example, bat, b, b, तो b लिख देंगे वो, a, a पढ़ा था तो a लिख देंगे, t, t, t लिख देंगे, तो उनका bat की spelling they can write on your own self. Means lots of changes are taking place through time. तो ये changes को, how to deal with the changes, how to adapt this new tools and technique, that is very much important, है ना. पहले हम सिंपली क्वेश्चन एंड आंसर, है ना, कि दिस इज द क्वेश्चन एंड यू हैव टू गिव राइट अवे द स्ट्रेट आंसर. नाउ वी आर गोइंग टू टीच द स्टूडेंट्स विद क्रिटिकल थिंकिंग, मींस टू एनालाइज सर्टेन थिंग्स. दे शुड डेवलप द स्किल ऑफ एनालिसिस. व्हेन वी टॉक अबाउट द एनालिसिस, एनालिसिस मींस
to understand something in logical manner, to write about something in logical manner, logical way में आपको understand करना है. Simply नहीं, ये चीज ऐसी है तो ऐसे ही हम learn कर लेंगे, ये नहीं होना चाहिए. Critical thinking develop करना है हमें students में. अगर ऐसा है तो क्यों है, that is in terms of the inquisitiveness, what is the logical reasoning about this, what is the cause and effect of particular things, है ना, क्या इसका cause है, वजह क्या है, इसका effect क्या होगा, that is what we can say the critical thinking. We have to critically analyze, analysis का power होना चाहिए. Through the pros and cons we can assess what are the pros, what are the consequences of certain things, है ना, that. So this is the new way of teaching that is gaining a very much, we can say, popularization in nowadays, not only in India and mostly in outside the India also. So we have to develop such type of teaching. Ab ye hum kaise develop karenge, problem solving skill, critical thinking skill kaise develop karenge, we have to develop the positive attitudes towards the challenges. कोई भी चैलेंजेस हो, बच्चा नहीं समझ रहा है क्लास में, हम ठीक है नहीं समझ रहा है, हमें क्या करना है, ऐसा एटीट्यूड नहीं होना चाहिए. पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं, हमें उसे समझा के रहना है, हमें समझाना है. ही इज आल्सो वन ऑफ द वैल्यूड पर्सन, वैल्यूड स्टूडेंट ऑफ द क्लास. इस तरह का पॉजिटिव एटीट्यूड लेके क्लास में जाना है. ईच एंड एवरी स्टूडेंट आर इक्वल, नो बायसनेस शुड बी सीन, नो फेवरेटिज्म शुड एग्जिस्ट. पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स ईच एंड एवरी स्टूडेंट, पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स द वर्किंग एनवायरमेंट, है ना, हम उनको ऐसी अपॉर्चुनिटीज दें कि वो प्रॉब्लम सॉल्विंग अगर अकेला बच्चा नहीं कर पा रहा है तो कम से कम पहले एक टीम में करे. दे शुड वर्क टुगेदर टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स. इवन मेनी टाइम वी कैन कोट द रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स. अगर आप रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स उनको देंगे, रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स, दे विल बी मोर हैप्पी. कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स दिए. और अब बीइंग अ टीचर डे टू डे, हम लोग के पास क्लासेस में बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं. कभी किसी बच्चे का एग्जाम्पल, कभी किसी बच्चे का एग्जाम्पल. एक बच्चा था मेरी क्लास में, राउंड अबाउट बिफोर कोविड पीरियड की मैं बात कर रही हूँ. आई एनालाइज हिम. हमें क्या करना है, पहले क्लास में एनालिसिस करना है. मैंने क्या बताया कि सिर्फ करिकुलम जो आपको कोर्स दिया है उसी पे फोकस नहीं करना है. यू हैव टू गो फॉर द होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट. पूरी तरीके से उसको उस लाइक बनाना है कि वो प्रेजेंट सोसाइटी में अडेप्ट कर सके अपने आप को, प्रेजेंट सोसाइटी में एक प्रॉपर पोजीशन के साथ, एक वेल नोन रिनाउंड पर्सनैलिटी के साथ रह सके. दैट इज द मेन एम, दैट शुड बी द मेन एम ऑफ द टीचर. मैं एग्जाम्पल आपको दे रही थी, एक बच्चा था क्लास में. आई एनालाइज ही इज गुड इन स्टडी बट ही इज नॉट एक्सप्रेसिव. नॉलेज तो है उसके पास लेकिन एक्सप्रेस नहीं कर रहा है. और कभी कभी वो एक्सप्रेस करता था तो द टोन, द लैंग्वेज, द बॉडी लैंग्वेज सच टाइप थी कि बच्चे उसको थोड़ी सी बुली भी करते थे, है ना. तो दैट वाज द थिंग. आई मेड हिम टू सिट इन फ्रंट ऑफ मी, है ना. मैं क्लास में मोस्टली वो पीछे हमेशा बैठता था. मैं उसको अक्सर आगे बुला के बैठाती थी कि यहाँ बैठो, तुम सामने बैठो. एंड आई यूज टू क्वेश्चन हिम, क्वेश्चंस पूछती थी, बीच बीच में क्वेश्चन पूछती थी. आई स्टार्टेड टू डेवलप अ सॉर्ट ऑफ पॉजिटिव ट्रस्टवर्थी रिलेशनशिप विद हिम. एक डेवलप हुआ धीरे धीरे. उसने अपनी प्रॉब्लम्स कहा कि मैम मैं मुझे आंसर देने में डर लगता है क्योंकि बच्चे मुझे बुली करते हैं, बोलते हैं कि ऐसे बात करता है, वैसे बात करता है. तो आई काउंसल्ड हिम, मैंने उसको धीरे धीरे काउंसलिंग की, क्या होना चाहिए, नहीं करना चाहिए. एंड आई हैव सीन द ट्रिमेंडस चेंज. इतना चेंज देखा उसके अंदर कि फ्रॉम एन ऑल्दो ही वॉज वेरी गुड इन ग्रास्पिंग थिंग्स, है ना, he developed the interest, he developed the inquisitiveness regarding the subject, है ना, कि उसको इंटरेस्ट जगा सब्जेक्ट को लेके, इंक्विजिटिवनेस जगी, सेवरल क्वेश्चंस पूछने लगा, पढ़ के आने लगा. एंड बिकेम डे बाय डे वेरी मच एक्टिव इन द क्लास. एक्टिव नहीं, विद टाइम ही आल्सो क्वालिफाइड सर्टेन एग्जामिनेशन एंड नाउ ही इज डूइंग वेरी वेल इन हिज प्रोफेशनल लाइफ. बहुत अच्छा. तो इवन वी कैन प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिटिकल थिंकिंग, we have to develop such type of relationship with the student ki wo apni problems aapko bataye and aap usko koshish kariye, usko ek importance dijiye. har ek bhai teacher jo bhi hai, jinke bhi hai, apne bachcho ko aap importance dete hai na, unki problems ko aap samajhte hai na, to aap class mein bhi isi attitude ke sath jaiye ki ye hamare bacche hain, inki problems ko samajhna hai, hai na. aur usme ek simple traditional conventional way of teaching ko na apna ke कि इन बच्चों में हमें एनालिसिस पावर डेवलप करना है, कि चीजों को लेके वो लॉजिकली सोचें, लॉजिकली लिखें, प्रोज एंड कॉन्स जाने, कॉज एंड इफेक्ट ऑफ एवरीथिंग जाने,
And this is very much important, and this should be developed with time and with experience, we can say. And nowadays, critical thinking is playing very important role, because most of the examinations, agar aap dekhe, professional examinations jo hain, aap dekhiye multiple choice questions, dheere dheere assertions bahut sare hote hain, hai na, multiple answer question hote hain, assertion based question hote hain, reasoning based questions hote hain. So if they are not going to develop the critical thinking, so no, they are not going to qualify in many of the professional exam, because the now that thing is changing a lot. So sirf seedhe seedhe cheeze bachcho ko ki ye padha do, ye apne memorize kar lo, write lo, this is the not the thing. Make them to, many times I'll see in small children nowadays, they have creative writings, hai na, ki aapko ek picture de di gayi aur bachcha us picture ko describe kar raha hai. तो डिस्क्राइबिंग इन लॉजिकल, मतलब लॉजिकल वे में एक उसकी स्किल डेवलप हो रही है टू डिस्क्राइब एनीथिंग, ठीक है, या फिर बहुत सारी पिक्चर्स दे दी, बच्चा उसमें रिलेशनशिप्स डेवलप कर रहा है, दैट इज व्हाट वी कैन से क्रिएटिविटी, है ना, एनालाइज कर रहा है बच्चा, इवेलुएट कर रहा है कि व्हाट आर द थिंग्स गिवन, सम टाइम कुछ ऑब्जेक्ट दे दिया, नाउ उस ऑब्जेक्ट के बारे में आपको बोलना है. तो दीज आर द थिंग्स हाउ वी कैन डेवलप दिस टाइप ऑफ critical thinking skills. We can encourage students so that they may ask questions, hai na, aap encourage kariye students ko ki wo questions puche, aap opportunities diye bachcho ko ki evaluate kare, give some topics, hai na, and tell them to evaluate this topic, to analyze this topic, to write about this topic, hai na, so the different perspectives should come, then have discussion about that topics, ki unka alag alag aap perspectives paniye, unke thoughts aur ideas janiye, unke depth ko janiye ki kis depth tak wo soch sakte hain. So ye sari cheeze aap karenge, so you can encourage in developing the critical thinking skills among yourself also and among your student also. So these are the things we can say. Being the teacher, we know we are the leader of our class, hai na, hum apni class ko lead karte hain, but leading class in most efficient manner, in most positive manner, in most inclusive manner, that should be the quality of a teacher, that should be the quality of leadership in the teacher, ki wo ek proper environment, class environment, that every कभी कभी क्या होता है, स्टूडेंट्स डर के डिसिप्लिन में रहता है टीचर से, आपका डर, आपका खौफ इतना है क्लास में कि आप गए तो बच्चा एकदम, भले वो माइंड से प्रेजेंस ना हो, लेकिन एकदम अटेंटिव सेट स्ट्रेट रहेगा और वो आपको दिखता रहेगा, आपको लगेगा कि वाओ क्या डिसिप्लिन है क्लास में, आई एम वेरी मच सक्सेसफुल इन क्रिएटिंग डिसिप्लिन, आप गए और पढ़ा के चले आए, बट दिस इज नॉट द लीडरशिप, कि आपकी डर की वजह से बच्चा बिल्कुल चुपचाप बैठा है, साइलेंट बैठा हुआ है, ऑल्दो आउटसाइड, है ना, आउटसाइड ऑफ द क्लास फ्रॉम द माइंड, दिस शुड नॉट बी द लीडरशिप क्वालिटी. बल्कि लीडरशिप क्वालिटी क्या होना चाहिए, थ्रू योर इंटेलेक्ट, है ना, थ्रू योर कॉन्फिडेंस, वॉट एवर यू आर हैविंग द नॉलेज अबाउट द सब्जेक्ट, यू आर गोइंग टू स्पीक, यू आर गोइंग टू एंगेज द स्टूडेंट्स विद द क्लास, आपने इस तरीके से एंगेज किया है कि बच्चा एकेडमिकली आपके साथ एंगेज है, रादर देन किसी भी न्यूसेंस नहीं क्रिएट कर रहा है क्लास में. इफ ही और शी इज टॉकिंग, शी इज एकेडमिकली एंगेज विद यू, आपके साथ, ऐसा नहीं एकदम क्लास चुप है तो बहुत अच्छी है, नहीं, डिस्कशन शुड गो ऑन, इवैल्यूएशन शुड गो ऑन, बट देयर शुड बी एकेडमिक एंगेजमेंट, आप एक तरीके से एकेडमिकली एंगेज हो, दैट शुड बी द लीडरशिप क्वालिटी, वो आपकी लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए, टू कोलैबोरेट इफेक्टिवली विद द students, to collaborate effectively with the colleagues, to collaborate effectively with your, in I can say the administrators, in order to communicate the ideas and strategies. So we should perform various best practices in then only we can create the positive learning environment. Similarly managing the class, now nowadays managing class is playing how we have to manage the class. So ek management class ka hota hai traditional conventional method, ki jaise aap manage karte the class ko, conventional method, डांट दिया या बच्चों को कभी एक आध हाथ लगा भी दिया, तो इस तरीके से. तो आजकल नए नए तरीके आ रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल
आप गए, आपने एक आइस ब्रेकिंग सेशन शुरू किया, आपने कुछ ऐसा समा बांधा कि वॉट एवर यू आर गोइंग टू टीच, वॉट एवर यू आर गोइंग टू टॉक अबाउट, जिस टॉपिक के बारे में आप बात करना चाह रहे हैं, इटसेल्फ कम फ्रॉम इनसाइड द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स खुद बता दिए उस उन चीजों की, आपकी बातों को सुन के, ओके मैम सर यू आर गोइंग टू टीच अबाउट दिस टॉपिक टूडे, दैट इज वॉट दे थिंक. वी हैव टू इंगेज द क्लास, मैनेज द क्लास, इफेक्टिव टीचिंग इन द क्लास, एंड दैट इज द थिंग. बहुत बार come on student, listen to us, this is somewhat traditional nowadays, what say 1 2 3 1 2 3, come on, come on, and eyes on me, that will another thing. Okay, 1 2 3 1 2 3, eyes on me means a sort of new things. Yeah, fir aap management class management mein aap awards ke through, बैजेस के थ्रू, जरूरी नहीं है कि इन अवार्ड्स यू हैव टू गिव मेनी टाइम्स द मनी और एनी सॉर्ट ऑफ गिफ्ट्स, दिस इज नॉट नेसेसरी, एंड मेनी टाइम्स इट विल नॉट बी पॉसिबल थ्रू द एडमिनिस्ट्रेशन, बट यू हैव टू इंगेज थ्रू द अवार्ड्स एंड द बैजेस कि आपको क्या मिलेगा, मॉनिटर ऑफ द डे, द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द डे, बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द वीक. यू कैन क्रिएट सम ऑफ द बैजेस ऑल्सो, दो चार आप बैजेस बना लीजिए, बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द वीक, ऑफ बेस्ट बिहेवियर ऑफ द डे, मोस्ट डिसिप्लिन स्टूडेंट ऑफ द वीक, है ना, इस तरह के बैजेस भी आप बना लिए, तो उसको भी स्टूडेंट्स पाने के लिए उस तरीके से, तो यू कैन मैनेज द क्लास इवन थ्रू द अवार्ड्स एंड बैजेस. या फिर आप क्लास का मैनेजमेंट एक रूटीन सेट करके कर सकते हैं कि आप एक रूटीन सेट करिए, व्हेन यू विल गो टू द क्लास यू विल ग्रीट द स्टूडेंट विद स्माइल, यू विल वेलकम द स्टूडेंट विद स्माइल, देन यू आर गोइंग टू रिवाइज द थिंग्स व्हाट यू हैव टॉट यस्टरडे अ डे बिफोर द क्लास, थोड़ा सा उसको दो मिनट में रिविजन किया, देन यू केम टू द टॉपिक जो आपको आज पढ़ाना है, देन यू हैव टॉट द टॉपिक, देन यू हैव गिवन 2-3 मिनट्स फॉर टू आस्क क्वेश्चंस, आपने क्वेश्चंस के लिए टाइम दिया कि क्या चीजें बच्चों को समझ में आई क्या नहीं आई, फिर उसके बाद आपने उसी को जो आज पढ़ाया है थोड़ा सा उसको कंक्लूड किया. दैट इज व्हाट वी कैन सेट द रूटीन एंड यू कैन मैनेज द क्लास, है ना. मेनी टाइम्स वी कैन मैनेज द क्लास थ्रू द रोल रिवर्सल्स. रोल रिवर्सल्स मींस वी आर, हमारा रोल जो है, कभी कभी आप स्टूडेंट्स को दीजिए कि नाउ यू आर गोइंग टू टॉक अबाउट दिस टॉपिक एंड आई एम गोइंग टू लिसन. तो दीज आर द थिंग्स. For example, certain attractive tools and techniques like what I have said, 1 2 3 1 2 3, eyes on me, इस तरीके से आप करके attention उनका लीजिए. Awards और badges के through class को manage कर सकते हैं, class routine set करके class को manage कर सकते हैं, role reversal के through आप manage कर सकते हैं. These are the things you can do to have the better. So these are the things we should have. इसकी कोई आपकी degree course नहीं होता है. You can get it, you can understand it with the time, और कुछ चीजें सुन के देख के भी आप बहुत सारी चीजें समझ सकते हैं. तो ऐसा we have to develop creative and innovations in our teaching. Teaching एक ऐसा profession है कि that needs to get update throughout the lifetime. आपको अपने आप को अपडेट करना है लाइफ टाइम के लिए. कुछ प्रोफेशन ऐसे होते हैं, फॉर एग्जाम्पल टीचर का प्रोफेशन हो गया, डॉक्टर का हो गया, लॉयर का हो गया, देर आर एन नंबर ऑफ प्रोफेशन, यू हैव टू अपडेट योर सेल्फ. अब इफ यू आर नॉट गोइंग टू अपडेट योर सेल्फ, द स्टूडेंट्स विल स्टार्ट लूजिंग इंटरेस्ट इन योर टीचिंग इन योर क्लास. आप अपडेट करिए, सिर्फ आप अपने सिलेबस तक रह के बात मत करिए, उस सिलेबस की चीजों को, टॉपिक्स को डे टू डे फिनोमिना से उसको कोलैबोरेट करिए, डे टू डे फिनोमिना से उसको आप कनेक्ट करिए, देन ओनली द स्टूडेंट्स आर गोइंग टू हैव द क्यूरियोसिटी और क्रिटिकल थिंकिंग की जो बातें होंगी वो तभी डेवलप होगी. इफ यू आर गोइंग टू, सिर्फ आपने बुकिश चीजें पढ़ाई और कुछ कनेक्ट नहीं किया रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल से, रियल वर्ल्ड फिनोमिनन से, देन देयर विल बी नो इंटरेस्ट अमंग द क्लास. नाउअडेज़ द स्टूडेंट्स आर हैविंग लॉट्स ऑफ मटीरियल्स ऑन वेब, लॉट्स ऑफ मटीरियल्स ऑन ऑनलाइन लेक्चर्स एंड ऑल, लॉट्स ऑफ थिंग्स आर देयर, बट देयर शुड बी समथिंग डिफरेंट वी हैव टू गिव टू द स्टूडेंट. हमें उनके, भाई अब बच्चों को बहुत सारी चीजें हैं, उनके पास नोट्स हैं, उनके पास लेक्चर अवेलेबल है, वी हैव टू गिव समथिंग डिफरेंट. वी हैव टू मेक स्टूडेंट्स क्रिएटिव, नॉट ओनली वी हैव टू डेवलप द क्रिटिकल थिंकिंग, बट दे द स्टूडेंट शुड बी क्रिएटिव इन नेचर. नॉट ओनली स्टूडेंट्स, हमें क्रिएटिव बनना है कि हमें अपनी जो टीचिंग है उसको मोस्ट क्रिएटिव वे में डिलीवर करना है, हमारे थॉट्स को मोस्ट क्रिएटिव वे में डिलीवर करना है, एंड दैट वी कैन मेक इट क्रिएटिव बाय एम्ब्रेसिंग द टेक्नोलॉजीज, द न्यू टूल्स
मैम वॉइस इज नॉट क्लियर मैम, वॉइस नहीं आ रहा मैम। मैम नो वॉइस मैम। Still not audible, madam. हेलो Oh, sorry, the connection was lost. Now my okay, you can listen to my voice. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Perfectly audible. Fine. Not coming. कहाँ क्लिक करूँ? Okay, connection was lost. Sorry for that. There is a, we can say the technical glitches we have, and many times, and it is not in our control. So coming to the topic, we were discussing that time management is very important tool for the teachers. और मैंने आपको बताया, शायद आपने सुना कि नहीं सुना, कब कनेक्शन लॉस हुआ समझ में नहीं आया, कि वी हैव टू फिनिश द सिलेबस द करिकुलम ऑलवेज ऑन टाइम. दिस इज द, वी कैन से,
वेरी गुड थिंग एडवांटेज फॉर द टीचर्स. अगर आप नहीं कर रहे हैं बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में, बाहर की यूनिवर्सिटीज में, इफ यू आर नॉट फिनिशिंग योर करिकुलम सिलेबस ऑन टाइम, सो दिस इज अंडरस्टूड एज डिसएडवांटेज और लैकुना और फ्लॉ इन अ टीचर. सो वी शुड मेंटेन हाउ वी हैव टू मैनेज एवरी थिंग, हाउ वी हैव टू मैनेज आवर क्लास इन टाइम, द टॉपिक वी आर गोइंग टू टीच, एवरी थिंग वी हैव टू मैनेज. Coming to the stretch management and resilience, nowadays everyone is talking. I'm going to finish in within 5 minutes, then only we will have discussion. So stress management and resilience, nowadays everyone is talking about the resilience. ज़्यादातर आपने resilience term आपने सुना होगा environment perspective में, developing resilience to the environmental degradation. इसमें ज़्यादातर resilience का term use होता है, but here I have used this term resilience and stress management for the teachers. दे आर मेनी टाइम्स स्ट्रेस्ड, बहुत हम स्ट्रेस फील करते हैं. टीचिंग इज नॉट अ वेरी सिंपल प्रोफेशन, इट इज वेरी मच एग्जॉस्टिव जॉब. हाँ, खुद हम पहले स्टडी करते हैं, हम डिलीवर करते हैं, और वो डिलीवरी हर एक तरीके से होती है, मीन्स वर्बल डिलीवरेशंस, स्किल ऑन डिलीवरेशन, हैंड्स ऑन डिलीवरेशंस. सो इट इज मेनी टाइम्स वी डेवलप सर्टेन टाइप्स स्ट्रेस, वर्कलोड इतना हो जाता है, तो वी हैव टू मैनेज आवर स्ट्रेस ऑल्सो for efficient teaching. When we say Sundays or holidays, Fridays, some many time, Fridays or holidays, or kabhi kabhi kisi kisi jagah pe 5 days a week hoti hai. Why have holidays? Researchers says ki ye jo holidays hoti hai aapki 5 days a week, 6 days a week, aapko ek din ki chutti milti hai, that increases the efficiency of a profession. Of an employee, वो आपकी efficiency को increase करता है. We have to manage, take proper rest whenever you get time, regular exercises, meditation. These are the things कि अगर आप अपना stress को manage करेंगे, you can give better. आप खुद देखिए, आप properly rest लेके, अच्छे से पढ़ के, बिल्कुल तैयार होके, ready होके आप class में आते हैं, you will give better. Better classroom, you will have better classroom teaching as compared कि नहीं आप बहुत stressed आ रहे हैं, manage way में नहीं आ रहे हैं और बहुत सारे work piled up है. Resilience is what? Coming back to the same shape, resilience. So, for example, ki ek limit hoti hai, us limit. For example, aap ek spring ka example le lijiye. Spring. Spring ko jab aap stretch karte ho, pehle uska shape kuch aur tha, aapne usko stretch kiya, spring ko. Hai na? Its shape got changed. Hai na? Stretch. Aise kiya, shape got changed. Phir usko wapas choda, wo apne shape mein aa gayi. Means, wo spring kya hai? Resilience to that force. Resilient hai. वो वापस अपने शेप में आ गई डिफॉर्म होने के बाद भी. लेकिन अगर अपने स्प्रिंग को उसकी इलास्टिसिटी से ज्यादा खींचा तो वो टूट जाएगी, है ना. तो वी हैव टू बिकम रेजिलियंस, है ना, ऑलवेज कमिंग एज इट इज, हमें बिल्कुल. तो दैट इज ऑल आई हैव टॉक्ड ऑलरेडी अबाउट द क्लासरूम मैनेजमेंट, सो आई एम नॉट गोइंग टू टॉक. वन इंपॉर्टेंट थिंग, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन में एक्टिव लिसनिंग आई हैव ऑलरेडी टॉक्ड, प्रॉब्लम सॉल्विंग आई हैव ऑलरेडी टॉक्ड, मीडिएशन, रिस्टोरेटिव जस्टिस के बारे में भी मैंने बात किया कि वी हैव टू प्रमोट एम्पैथी एंड अंडरस्टैंडिंग बाई एनकरेजिंग स्टूडेंट्स कि हम वी हैव टू अंडरस्टैंड देयर फीलिंग्स. आई हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट ऑल दीज थिंग्स. पेरेंट टीचर कम्युनिकेशन इज नाउडेज वेरी इंपॉर्टेंट. आपको इन्फॉर्म करना है अगर आप इस स्टेज पे हो, बहुत सारे आप छोटे क्लास छोटे बच्चों को जब आप पढ़ाते हो, यू हैव टू बी इन टच इन द विद द पेरेंट्स, है ना. यू हैव टू गिव अ क्लियर एंड ट्रू इंफॉर्मेशन अबाउट द स्टूडेंट, व्हाट इज द स्टूडेंट बिहेवियर इन द क्लास. अदरवाइज यू आर नॉट गोइंग टू से नहीं नहीं ठीक चल रहा है बच्चा, सही है सब अच्छा. नो, यू हैव टू गिव द ट्रू बिहेवियर ऑफ द क्लास, व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ द स्टूडेंट, बिकॉज एवरी स्टूडेंट हैज अ वीकनेस, एवरी स्टूडेंट हैज अ सर्टेन स्ट्रेंथ. सो यू अकॉर्डिंगली यू हैव टू कन्वे टू द, इफ दैट कम्युनिकेशन इज गुड, देन द टीचर्स आर, देन द पेरेंट्स आर ऑल्सो गोइंग to focus on the weaknesses of the student, and teacher is also working on the weakness of the students, and when a parent is also focusing working on the weakness of the students, to dono jab ek sath kaam karenge focus way mein, to it is but obvious that the students will improve. So we should have a better communication with the parents, colleagues, and overall we can say then we can have how to build relationship with the students. बहुत सारी आप कैसे relationship build कर सकते हैं. Class में welcoming environment दिए, you should have the welcoming behavior that you are very happy with the students, show them you feel satisfied when the students are listening to you. उनका genuine interest देखिए किस चीज में है, whether they like the lecture method, whether they like some sort of hands-on practices, whether they like
to see and to understand the things with PowerPoint presentation, whether they like to understand the things with the group group discussions. So see in which way they are more interested, and accordingly you can adjust your teaching. Even you can have for understanding, कोई भी सेशन जब आप शुरू करते हैं तो आप वन टू वन कन्वर्जेशन भी कर सकते हैं. वन थिंग आई हैव हियर एडेड, कल्चरल कॉम्पिटेंस एंड इंक्लूजन अमंग द स्टूडेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट. वी नो द स्टूडेंट्स आर फ्रॉम द डाइवर्स कल्चर, दे आर हैविंग द डाइवर्स कल्चर. बहुत सारे अलग अलग कल्चर से आते हैं, अलग अलग क्लास से आते हैं, सेक्ट से आते हैं, डिफरेंट इनकम लेवल से आते हैं. So we should have knowledge, you know, of different culture. You have to show the positivity of the different culture. So the good things, every culture have a lot of good things. Every religion have the lot of good things. So they can adapt the good things, the good cultural habits of each one, rather than getting in isolations. We have to we have to create inclusive environment. Har ek bachcha samjhe ki hum is class, main is class स्टूडेंट हूँ, आइसोलेशन में कोई भी स्टूडेंट ना जाए. व्हाट आई हैव सेड, नाउअडेज वी हैव लॉट्स ऑफ रिसोर्सेज ऑन द वेब्स एंड ऑल. तो एज अ टीचर वी शुड बी समवॉट डिफरेंट. आजकल देखिए कितनी रिसर्चेज आ रही है कि द मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर इन डिप्रेशन, बहुत सारे डिप्रेशन में है, एक बार रिजल्ट नहीं आ रहा है, दे आर मोस्ट डिप्रेस, सो मच स्ट्रगल इज देयर, स्ट्रगल फॉर द जॉब एंड ऑल. So we, but as a leadership, because we are playing the leadership role also, so we should motivate and inspire students. रिट्रोस्पेक्ट, उनका इंस्पेक्शन कीजिए, काउंसलिंग कीजिए, उनके जो टैलेंट्स हैं उनको बताइए, उनको भी समझाइए, को अपने टैलेंट्स, अपनी पोटेंशियलिटीज को वो समझें, मोटिवेट देम. द मेजर पार्ट एज अ टीचर वी हैव टू प्ले रोल इज मोटिवेटिंग द स्टूडेंट्स. स्टूडेंट शुड बी मोटिवेटेड फॉर द पर्टिकुलर टास्क, जो भी वो चाहता है अपने करियर में करना, टीचर बनना, डॉक्टर बनना, इंजीनियर, एनी थिंग, वॉट सॉर्ट ऑफ थिंग, शुड बी मोटिवेटेड. अगर वो उसको नहीं पा पा रहा है तो देयर यू हैव टू शो them n number of things where he or she can go. Motivating is very much important. Get the feedbacks from the students, and we have to get the feedbacks from the student. आप उनका फीडबैक लीजिए कि आपको फीडबैक, आप जनरल विदाउट नेम ले सकते हैं कि व्हाट आर द इम्प्रूवमेंट्स दे वांट इन द टीचिंग. आप नाम मत कहिए कि उनसे नाम ना लिखें, और एक फीडबैक दीजिए क्या आपको फ्लॉ लगता है, कि क्या आपकी चीजें उन्हें नहीं अच्छी लगती है. तो इस तरह के फीडबैक्स उनसे टाइम टू टाइम आप लेते रहिए. ठीक है, नाउ हाउ टू डेवलप दिस सॉफ्ट स्किल, फ्यू एग्जाम्पल्स आई एम गोइंग टू गिव, हाउ टू डेवलप. जैसे कि आपने साइड बाय साइड अपोजिट करके बच्चों को बैठा दिया, है ना, दोनों एक दूसरे को नहीं देख पा रहे हैं बच्चे. एक तरफ एक बच्चे को आपने ऑब्जेक्ट दे दिया, एक ऑब्जेक्ट दे दिया और दूसरे बच्चे, और इससे कहा कि इस ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब कीजिए. दीज आर द न्यू टाइप्स ऑफ स्किल्स दैट वी हैव टू डेवलप, द टीचिंग मेथड वी हैव टू डेवलप इन द क्लासरूम. आपने ऑब्जेक्ट दे दिया और कहा कि उस ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब करिए. स्क्रीन पे देखिए, ये बच्चा क्या करेगा, इस ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब करेगा, और अकॉर्डिंग टू द डिस्क्रिप्शन दूसरा बच्चा उस ऑब्जेक्ट को पहचानेगा. मीन्स दिस विल इम्प्रूव द लिसनिंग स्किल, क्योंकि दूसरे बच्चे को उस ऑब्जेक्ट को पहचानना है, तो एक्टिव लिसनर का रोल प्ले करेगा. कम्युनिकेशन स्किल, इसको इस ऑब्जेक्ट को कम्युनिकेट करना है, तो कम्युनिकेटिंग स्किल विल इम्प्रूव, एंड दे आर वर्किंग टूगेदर, द टीम वर्क विल इम्प्रूव. सो दिस इज वन ऑफ द वेरी मच पॉपुलर मेथड्स नाउअडेज यूज, ड्रॉ एंड understand method, and it is going very popular, and the various researchers have seen its popularity and good results also. Picture telling, many time you give the picture, certain types of picture, and ask the students to write their feelings, thoughts about the picture, what is the relationship existing about the picture, है ना. तो जो आप जब इस तरह का picture देंगे तो it will improve the critical skill and the focusing skill. What is the, because critical thinking is going on, कि ये पिक्चर क्यों मिला है, किस टाइप की रिलेशनशिप है इन पिक्चर्स में, यानी क्या कन्वे कर रहा है, that is a critical thinking. Then focus thinking, they are going to focus on the things that is given on the picture. So see, this is also one of the very much popular method. Face to face, face to face means suppose कोई मैगजीन हो, कोई न्यूज पेपर हो,
या फिर कोई टॉपिक हो, डिबेट का टॉपिक हो, यू कैन टेक एंड यू कैन प्रैक्टिस इन फ्रंट ऑफ द मिरर, मिरर के सामने प्रैक्टिस कर सकता है, आप बच्चे को भी बताइए, खुद भी कर सकते हैं टू इम्प्रूव योर स्किल्स. आप प्रैक्टिस करिए, आंखों में आंख देख के मिरर में आप प्रैक्टिस करिए, इससे क्या होगा, यू विल हैव इम्प्रूवमेंट इन कम्युनिकेशन स्किल्स, इन द बॉडी लैंग्वेज, एंड इवन यू कैन डेवलप द कॉन्फिडेंस. सो दीज आर द few things I have given the example how you are going to develop the soft skills among you also and among your students also. Both are very important. Last thing, as a teacher I would like to say, work-life balance is very important, because we as a teacher are having our personal life also. We have to create certain boundaries, time management, what is our work, what is the other priorities, being a member of a family, we have to take self care, we should create certain support system also, ki if I'm facing some challenges, there is our colleagues and groups are there to help me, to support me. So we have to create a work life balance. Means maintaining boundaries. This is our working time. This is our family time. Everything we have to balance. So when we are talking about the soft skills, जब हमने soft skills के बारे में बात की, so we talked about the this soft skill generally possesses interpersonal abilities and the intrapersonal abilities. Interpersonal ability soft skills की क्या होती है? आपके बोलने का तरीका, बात करने का तरीका, योर बॉडी लैंग्वेज, योर बिहेवियर, दीज आर ऑल व्हाट इंटरपर्सनल स्किल्स. एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द इंट्रापर्सनल, तो आपके खुद के इमोशंस आप कैसे हैंडल करते हैं, हाउ यू आर बिहेविंग इन एक्साइटमेंट, हाउ यू आर बिहेविंग व्हेन यू आर हैविंग फ्रस्ट्रेशन, आप कोई फ्रस्ट्रेशन है तो कैसे बिहेव कर रहे हैं, एक्साइटमेंट में कैसे बिहेव कर रहे हैं, व्हाट इज योर सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ मोटिवेशन, सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या है. सो दीज आर द थिंग्स वी हैव टू डेवलप बोथ ड्यूरिंग द सॉफ्ट स्किल, द इंटरपर्सनल एबिलिटीज एंड द इंट्रापर्सनल एबिलिटीज. पेशेंस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट बीइंग अ टीचर. पेशेंस नहीं रहेगा तो गुस्सा बहुत जल्दी आएगा, क्योंकि यू हैव टू डील विद द डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स एट डिफरेंट लेवल. एवरी स्टूडेंट इज हैविंग देयर own needs on. So we should develop such a behavior so that you can connect with the students, you can have a certain good positive relationship with the students. So aisi relationship ho ki bachcha kabhi kabhi aap se koi baat kahe bhi na aur aap uski ankahi baatein samajh jaye, hai na, through their expressions. So I am going to finish my all what I am speaking about the soft skills with a small thought, ek shayari. कि लफ्जों की रफ्ता रफ्ता जरूरत नहीं रही, लफ्जों की रफ्ता रफ्ता जरूरत नहीं रही, अब वो भी सुन लिया है जो उसने कहा न था, अब वो भी सुन लिया है जो उसने कहा न था. तो वी शुड डेवलप सच टाइप ऑफ रिलेशनशिप कि व्हाट वी वांट फ्रॉम द स्टूडेंट्स उन्हें समझ में आए, और व्हाट द स्टूडेंट वांट फ्रॉम अस ये भी बात उन्हें समझ में आए. थैंक यू फॉर ऑल. थैंक यू. So we can have sort of discussions. कुछ पूछना चाहिए, कोई अपना experience आप share करना चाहें, या कुछ आप मेरे experiences के बारे में जानना चाहें, so we can have discussion. Because lot of things we generally say in day to day, we have lots of examples. देखिए मेरे पास बहुत चीजें थी पढ़ाने को, मैंने बहुत जल्दबाजी में last में चीजों को close किया to talk with you all. तो कुछ आप बताइए कि आपको क्या प्रॉब्लम लगती है अपनी जगह पे जहां भी आप पढ़ा रहे हैं, एंड व्हाट यू थिंक हाउ टू सॉल्व दिस थिंग. एनीवन वुड लाइक टू शेयर? यानी कि आज मैं वो एनवायरनमेंट नहीं क्रिएट कर पाई जहां पे एक डिस्कशन हो. दिस इज अ फॉर मी दिस इज नॉट अ वेरी गुड पॉइंट. सो वी शुड ऑलवेज क्रिएट एन एनवायरनमेंट सो दैट डिस्कशन शुड अराइज, सम सॉर्ट ऑफ एनालिसिस शुड गो ऑन. यस अहमद हसन साहब जी. मैम बहुत अच्छा आपने एक्सप्लेन किया. अब एक कोई पीजी स्टूडेंट है और वो बात ही नहीं करते, तो उसको कैसे सॉल्व किया जाए? नहीं तो ये आप देखिए कि वो क्यों नहीं बात करते हैं, व्हाट इज द रीजन व्हाई दे आर नॉट टॉकिंग टू अस. क्योंकि कुछ अभी मैं भी पीजी स्टूडेंट्स को पढ़ाती हूँ,
तो मैंने देखा है कि कुछ बच्चे कोशिश करते हैं, पहले जब शुरू में उनकी क्लास मिली, दो चार क्लास वो आपकी पहले पढ़ते हैं, फिर दो चार क्लास के बाद उन्हें समझ में आ जाता है कि इन टीचर से हम अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं कि देखे ना दे आर वेरी गुड इन अंडरस्टैंडिंग स्टूडेंट्स के पास ये जो है एक सिक्स्थ सेंस जो है टू एनालाइज टीचर इज वेरी गुड. वो अंडरस्टैंड कर लेता है बच्चा कि इन टीचर से हम बात करेंगे तो हमें पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा या हमें इनसे डांट या फटकार मिलेगी. तो मेक देम कंफर्टेबल इन द क्लासरूम कि पूछिए दो चार उनसे एक जॉली मूड में बात करिए थोड़ा सा. तो टू डेवलप अ रिलेशनशिप, टू डेवलप अ कनेक्ट, डेवलप देखिए दे विल रिस्पेक्ट इफ यू आर गोइंग टू वैल्यू देम. बिकॉज I have always learned from my class कि मैं क्लास में जाती हूँ, क्लास बड़े ही डिसिप्लिन में रहती है ना. तो एंड they talk to me, वो ओपनली टॉक भी करते हैं, बात भी करते हैं, एंड they give respect to me also. तो आप उसे दो चार बात जॉली मूड में बात करिए और उनसे कनेक्ट कीजिए. जब वो थोड़ा सा फ्रीडम उनको मिलेगी कनेक्ट होने की, तो श्योरली they will ask questions, they will share their challenges or problems what they are facing in the classroom. बच्चे बहुत शेयर करते हैं. थैंक यू मैडम. अगर ये शायद फेस टू फेस होता, इंटरेक्शन ऑफलाइन प्लेटफॉर्म होता, तो शायद आप ज्यादा मुझसे पूछते. और ये थोड़ा मैंने आपसे कहा कि दिस इज द लैकिंग इन द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म. हालांकि इसमें आप दुनिया डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्रीज लोग इसमें कोलैबोरेट करते हैं, लेकिन ऑफलाइन प्लेटफॉर्म. यस जावेद साहब, माय क्वेश्चन इज फॉर कम्युनिकेशन वी रिक्वायर अ गुड लैंग्वेज स्किल. यस, सो थोड़ा सा अगर आप उर्दू लैंग्वेज के बारे में बताएं कि उर्दू लैंग्वेज को कैसे बेटर की जा सके, और उर्दू को हम किसी ऑनलाइन मीडियम में कोई ऐप हो तो वो भी शायद रिकमेंड करें आप. देखिए उर्दू लैंग्वेज जो ऐसी लैंग्वेज है कि वो बहुत ही, उसके लिए एक वर्ड यूज होता है, ब्यूटीफुल और प्यारी लैंग्वेज है ना. इट इज ओनली जस्ट अ लैंग्वेज, सो इट शुड नॉट बी डिनोटेड विद सर्टेन कास्ट रिलीजन फ्रीडम. मेनी टाइम्स दिस मिसकंसेप्शन अकर्स. बहुत ही प्यारी एंड सॉफ्ट लैंग्वेज. तो सॉफ्ट लैंग्वेज का मतलब कि आप, जैसे कि हमने दो चार बातें कही, दो चार शेरो शायरी जो थी जिसमें उर्दू के वर्ड्स थे ये थे, तो दैट इज व्हाट सॉफ्ट लैंग्वेज लोगों को ज्यादा पसंद आती है. तो यू कैन कम्युनिकेट सर्टेन थिंग्स बाय अडॉप्टिंग दिस लैंग्वेज. दूसरी चीज कि कैसे अच्छी की जाए, जैसे मैं बताऊं कि जब मैं आई तो यूनिवर्सिटी लेवल पे पढ़ने आई, तो आई जस्ट केम फ्रॉम द इंग्लिश मीडियम एंड ICSE बोर्ड एंड ऑल. उर्दू मैंने घर पे रह के पढ़ी है, लिखना पढ़ना मैंने घर पे रह के जाना है, स्कूल में नहीं पढ़ाई गई मुझे. बट आई वॉज इंटरेस्टेड कि नहीं मुझे आनी चाहिए. तो आई यूज टू आस्क विद माई कलीग्स, क्योंकि कुछ मेरे कलीग्स इतने अच्छे हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में कि दे आर हैविंग अ वेरी गुड कमांड ऑन इंग्लिश, दे आर हैविंग अ गुड कमांड ऑन हिंदी, इवन दे आर हैविंग द गुड कमांड ऑन उर्दू ऑल्सो. आई यूज टू आस्क कि कैसे आपका है, मैं उनसे एक्सपीरियंसेस लेती थी. तो उन लोगों ने कहा कि दो चार किताबें दी, नॉवेल्स दी, कि आपके का इंटरेस्ट किसमें है, रिसर्चेस पढ़ने में है, स्टोरीज पढ़ने में है, या कुछ एग्जाम्पल्स पढ़ने में है रिगार्डिंग द क्लासेस एंड ऑल, आप कुछ दीजिए, या फिर किसी पर्सनालिटी में कोई आपका आइडियल रोल है उसके में है इंटरेस्ट. तो यू कैन रीड अबाउट देम. वंस यू नो हाउ टू राइट एंड रीड उर्दू, तो आप उनके बारे में, और जिनको रीडिंग राइटिंग नहीं आती बट स्टिल उर्दू अपना कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव करना चाहते हैं, तो यू कैन लिसन वेरियस थिंग्स इन उर्दू. आप देखिए शेरो शायरी हो, मुशायरा हो, गजल हो, मोस्ट ऑफ द पर्सन यूज टू लाइक, वेदर दे नो उर्दू और वेदर दे डोंट नो उर्दू, हर एक कोई, क्योंकि हमारे वहाँ कॉन्फ्रेंसेज होती है, जो कल्चरल इवेंट्स होते हैं उसमें गजल का इवेंट होता है, शेरो शायरी का इवेंट होता है. एंड आई यूज टू सी कि जिसको उर्दू आती है नहीं आती, एवरीबडी यूज टू एंजॉय. जिसको लिखना पढ़ना नहीं आता, तो इवन बाई लिसनिंग वेरियस थिंग्स ना, various concepts in Urdu, they can enhance their skill. मैंने क्या कहा, communication skill आप enhance कर सकते हैं by certain courses, by self practicing, by even the taking help of the teachers and trainers, whichever thing you like and whatever the time allows for that. इस तरीके से आप improve कर सकते हैं. और उर्दू लैंग्वेज बहुत अच्छा रोल प्ले करती है बच्चों से कनेक्ट करने में, बिकॉज इट इज वन ऑफ द सॉफ्ट लैंग्वेज, आई कैन से सॉफ्ट लैंग्वेज. Okay, ma'am. Thank you. Okay. Thank you, Javed sir. So I think the session is of 11:30, and if anybody wants to ask something, then I am here.
और अदरवाइज आई थिंक आई शुड लीव द नेक्स्ट स्पीकर मे बी वेटिंग फॉर यू ऑल मैम प्लीज शेयर योर ईमेल आईडी आल्सो यस यस आई एम गोइंग टू शेयर यू कैन राइट एस ए एल ओके आई एम गोइंग टू गिव यू एन मैसेज वन मिनट ईमेल आईडी आई एम गोइंग टू गिव यू एन मैसेज Okay, I have shared okay. it. This is my email address. In call messages, you can have. And have yes. make networking and connections, what I have said. That is very much important nowadays. Academic networking, to have the opportunities, to have the change of ideas, that is very much important. Ma'am, what do you suggest about learning? How to be a better learner and better educator? Better learner and better educator. These two things are different, Javed Sahab. Learner, what I have said, being in teaching profession, है ना बहुत सारे profession ऐसे और जिसमें से हमारा एक ऐसा profession है कि we should always remain learner. Learner दो तरीके से है learner. Learning with the real examples in our classroom. क्लासरूम क्योंकि जब आप खुद याद करिए जब आप पहले दिन एज ए टीचर क्लासरूम में एंटर कर रहे हैं किया था आपने और आज जैसे आप एंटर कर रहे हैं लॉट्स ऑफ डिफरेंस यू कैन हैव फॉर एग्जांपल मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ पहले दिन दूसरे दिन मैं तीन तीन चार चार घंटे का लेक्चर प्रिपेयर करती थी और जाती थी 55 मिनट्स की क्लास होती है मेरे लेक्चर 30 मिनट्स में हालांकि इतना मैं मटेरियल तैयार करती थी 30 मिनट्स में ओवर हो जाता था है ना आई यूज टू रिवाइज दैट बट नाउ विद टाइम व्हाट आई हैव लर्न कि कभी कभी मैं जितना मुझे पढ़ाना रहता है उसका 25% ऑल्दो दिस इज नॉट द गुड थिंग 25% भी नहीं पढ़ा पाती हूँ क्योंकि देयर आर डिफरेंट थिंग्स है ना कम्स इन बिटवीन दैट आई हैव टू एक्सप्लेन आई हैव टू गिव सो विद टाइम आई हैव लर्नड कि व्हाट द एक्चुअली द स्टूडेंट वांट सिर्फ स्टूडेंट आपका जो है कि इस टॉपिक के बारे में नॉलेज नहीं चाहता है यू टॉपिक के कनेक्ट के बारे में व्हाट इज द कनेक्ट व्हाट इज द रिलेवेंस इन टुडेज वर्ल्ड है ना वी हैव टू एक्सप्लेन जो कि आपको नहीं होगा आप एग्जांपल्स के थ्रू तो लर्नर एक तो आप खुद लर्न करते हैं रियल एग्जाम्पल से दूसरी चीज जैसे इस तरह की जो आपकी मीटिंग्स हैं वेबिनार्स हैं कॉन्फ्रेंसेज हैं या फिर सर्टेन कोर्सेज के लिए अप्लाई करते हैं यू गेट टू लर्न है ना बहुत सारी रिसर्चेज आप डे टू डे पढ़ते हैं है ना यू गेट टू लर्न एंड अपडेट योर सेल्फ है ना न्यू टूल्स एंड टेक्निक्स और टेक्नोलॉजीज के बारे में लर्न करते हैं जैसे कोविड से पहले ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो था टूल था नोबडी वाज यूजिंग नोबडी वाज वेरी मच अवेयर विद दिस बट स्टिल जरूरत पड़ी तो हमने यूज किया और उसे लर्न किया कि कैसे उसको यूटिलाइज करना है गूगल क्लासरूम का कंसेप्ट हमने यूज किया यूटिलाइज किया तो दिस इज व्हाट वी कैन से लर्नर एंड नाउ एज ए एडुकेटर है ना वी हैव टू ग्रास्प हमें लिथार्जिक नहीं बनना है एज ए लर्नर लिथार्जिक बन गए ठीक है वी आर गेटिंग पेड फॉर द जॉब हमने क्लास से पढ़ाया आया जॉब नहीं वी हैव टू अंडरस्टैंड आवर मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी व्हाट इज आवर मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दिस स्टूडेंट्स फॉर दिस पर्टिकुलर कंट्री एवरीथिंग जब तक आप मोरल क्योंकि आप स्टूडेंट थे तो आप सोचिए कि आपने क्या क्या चैलेंजेस फेस किया था वो चैलेंजेस बच्चों को नहीं फेस करना है अगर आपने ये समझ लिया ये मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी मान ली यू आर गोइंग टू लर्न मेनी थिंग्स बहुत सारी चीज आप लर्न कर लेंगे और As an educator, we have to only knowing the things is not important, delivering the things and making the students equipped in that. है ना कि वो भी वो चीज में इक्विप्ड हो जाए बहुत सारी हैंड्स ऑन चीजें आती हैं हम पढ़ा के चले जाते हैं लेकिन बच्चों को एसेस नहीं कर पाते कि उन्हें पता चला कि नहीं तो एज ए एजुकेटर मेक श्योर गेट द फीडबैक फ्रॉम द स्टूडेंट स्टूडेंट्स कि वेदर दे आर इक्विप्ड विद व्हाट दे हैव बीन टॉट या फिर उनमें और कोई चेंजेस चाहिए तरीका चाहिए चलने का तो वी बोथ रोल्स आर वेरी मच डिफरेंट लर्नर का रोल भी बहुत डिफरेंट है और एज एन एडुकेटर का रोल भी बहुत डिफरेंट है ओके ओके थैंक यू सो व्हेन इज योर नेक्स्ट सेशन फ्रॉम 11:30 45 11:45 ओह दिस इज मे बी 15 मिनट्स ब्रेक हां मे बी इट मे बी गिवन टू यू